के बाद तीन जमाने हमने बयान की। पहला जमाना नबूवत से पहले, नबी को इल्मे गैब न था। नबी बनने के बाद नबी को इल्मे गैब न था। अब जिंदगी खत्म होगी, नबी फौत हो गए, क्या मरने के बाद भी नबी को इल्मे गैब था। एक कुरान मजीद की आयत करीमा है जी, सूरह तकवीर में, इज़ शम्स कुव्विरत, इस पे लगाएं जी। ये मैं आयत का नंबर आपको बता रहा हूँ जी, वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन जी, आयत नंबर है 24, वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन। इसका तर्जमा दी देख लीजिए, और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है। इस पर मैं बात करता हूँ, इससे पहले आपको एक और आयत में कुरान मजीद की दिखा दूँ आपकी तसल्ली के लिए। अगर आप तासुब से बाला तर होकर सोचेंगे तो मजमून समझ आएगा। अल्लाह सुबहानहु व ताला सूरह जिन में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 26 और 27 में, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर अपने रसूलों में से जिसे पसंद कर ले। मैं आपको वर्स पेश कर रहा हूँ कुरान की, कुरान ये देखिए, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, अपने रसूल में से, पसंदीदा रसूलों में से जिसे चाहे वो इल्म गैब अता फरमाता है। आयतें बहुत ज़्यादा हैं, असल में आपने तकरीरें दो चार इधर उधर की सुनी हुई हैं। अल्लाहु अकबर, आप कहते हैं सिर्फ अल्लाह ही गैब जानता है, ये तो जुमला आप अपने उलमा से सुने, इस पर तो आप पर वैसे ही कुफर का फतवा लग जाएगा। आप कुरान की बाज़ आयात का इनकार कर रहे हैं। सूरह आले इमरान और आयत नंबर है 179 जी, आयत नंबर 179, मा कान अल्लाह लियदर المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। तर्जमा अरबी तड़ी बला जाने अरबी की, ये अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर छोड़ने का नहीं जिस पर तुम हो, जब तक के जुदा न कर दे गंदे को सुथरे से। गंदे को सुथरे से अल्लाह ने जुदा करना ही करना है। इल्मे गैब के मुनकिरों को अल्लाह ने दूर रखना है उनसे जो इल्मे गैब के कायल हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की ये शान नहीं है आम लोगों के तुम्हें गैब का इल्म दे दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। अब आप कहें ना कि अल्लाह अपने रसूलों को गैब नहीं देता।